तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान की अपकमिंग मूवी के बारे में, जो कि अपने समय के सबसे हैंडसम और डैशिंग एक्टरों में से एक थे, जिनकी फिल्मों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता था। अगर इस वक्त की बात करें तो जल्द ही सैफ अली खान पैन इंडिया लेवल की कई बड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी खड़ी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्म है और किस दिन रिलीज होगी। एक कहानी सुनाएं सर। सैफ अली खान की सबसे पहली फिल्म होने वाली है विक्रम वेधा, जो कि 2017 में रिलीज हुई आर माधवन और विजय सेतुपति की तमिल फिल्म विक्रम वेधा का हिंदी रीमेक होगा, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे सैफ अली खान, ऋतिक रोशन एंड राधिका आप्टे। इस मूवी का डायरेक्शन एक नहीं बल्कि दो डायरेक्टर मिलकर डायरेक्ट किए हैं, जिनके नाम है पुष्कर एंड गायत्री। वहीं इस मूवी का हाल ही में एक टीजर लॉन्च हुआ है, जो कि सच में एक धांसू टीजर है। अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म इसी साल 30 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली है। सैफ अली खान की दूसरी फिल्म होने वाली है आदि पुरुष, जो कि रामायण पर आधारित होगी, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे सैफ अली खान, प्रभास, कृति सेनन एंड सनी सिंह, जिसमें प्रभास भगवान राम का किरदार निभाएंगे। वहीं सैफ अली खान लंकाधिपति रावण के रोल में नजर आएंगे और माता सीता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी कृति सेनन, जिसका डायरेक्शन करेंगे ओम राउत। और इससे पहले भी सैफ अली खान एंड डायरेक्टर ओम राउत तान्हाजी द अनसंग वॉरियर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में साथ काम कर चुके हैं। अगर बात करें आदि पुरुष मूवी की रिलीज डेट की, तो यह फिल्म अगले साल 12 जनवरी 2023 में रिलीज कर दिया जाएगा। सैफ अली खान की तीसरी फिल्म होने वाली है गो गोवा गॉन 2, जो कि 2013 में रिलीज हुई जोम्बी कॉमेडी मूवी गो गोवा गॉन का सीक्वल होगा, जिसके लीड रोल में फिर से दिखाई देंगे सैफ अली खान, वीरदास, कुणाल खेमू एंड आनंद तिवारी। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन करने वाले हैं राजनिधि मोरू एंड कृष्णा डीके, जिन्होंने इसके पहले वाले पार्ट का भी डायरेक्शन किया था, और इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं दिनेश विजान। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म 2023 के आखिरी महीनों तक रिलीज कर दिया जाएगा। सैफ अली खान की चौथी फिल्म होने वाली है हंटर। यह एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे सैफ अली खान, आर माधवन एंड जोया हुसैन, जो कि इससे पहले भी सैफ अली खान और आर माधवन साथ में साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म रहना तेरे दिल में साथ काम कर चुके हैं। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन करने वाले हैं नवदीप सिंह, जिसे प्रोड्यूस करेंगे आनंद एलडाय, जो कलर येल्लो प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जाएगी। सैफ अली खान की पांचवी फिल्म होने वाली एक अनटाइटल फिल्म डायरेक्टर अनुराग बसु के साथ, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगी सैफ अली खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, और इस फिल्म के स्क्रिप्ट की तैयारी चल रही है, जो कि कंप्लीट होने ही वाली है। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म 2024 में ही रिलीज किया जाएगा। सैफ अली खान की छठी फिल्म होने वाली है फायर। फायर एक सच्ची घटना पर आधारित एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे सैफ अली खान एंड फरहान अख्तर, जिसमें सैफ अली खान फायर फाइटर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। और इस फिल्म की शूटिंग भी 2022 में ही शुरू होने वाली थी, मगर सैफ अली खान के पास कई सारे प्रोजेक्ट होने के कारण अब इस फिल्म की शूटिंग 2023 में ही शुरू होगी, जो कि रिलीज 2024 के अंत तक किया जाएगा। सैफ अली खान की सातवीं फिल्म होने वाली है थलाइवन इरु किनरा, जो कि एक बिग बजट एक्शन थ्रिलर से भरपूर मूवी होगी, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे सैफ अली खान एंड कमल हासन, जो कि कमल हासन हाल ही में रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म विक्रम से पूरे इंडिया में धमाल मचा चुके हैं, और इस फिल्म को भी पैन इंडिया लेवल पर बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका डायरेक्शन कमल हासन ही करेंगे, जो कि हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा अगले साल मई 2023 में। तो फ्रेंड्स, ये थे सैफ अली खान की आने वाली सभी बड़ी फिल्में। आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मूवी से जुड़े अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई मूवी के साथ।